हेलो फ्रेंड्स, फ्लटर फायरबेस मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम फायरबेस को हमारी फ्लटर एप्लीकेशन में एज ए बैकएंड कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये वीडियो सीरीज़ बेस्ड होगी फायरबेस के ऑपरेशंस के ऊपर। हम फायरबेस को कैसे फ्लटर एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे हम फायर स्टोर को यूज़ कर सकते हैं टू इंसर्ट एंड रीड डेटा, और उसके फायर स्टोर के डेटा पर हम क्रड ऑपरेशंस फॉलो करेंगे, इंसर्ट, रीड, अपडेट, सर्च एंड डिलीट डेटा। सो ये जो मास्टर कोर्स है, मास्टर क्लास है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें फ्लटर थोड़ा बहुत आता है और जो फायर बेस एज अ डेटा बेस यूज़ करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने एक चेकलिस्ट बना रखी है कि वीडियो सीरीज़ में हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे। आगे जाके ये चेकलिस्ट और बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन, एक फ्लटर प्रोजेक्ट बनाएंगे एम्प्टी, फिर हम फायरबेस प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम फायरबेस को फ्लटर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम फायर स्टोर को इनिशियलाइज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम फायर स्टोर पर एक डेटाबेस क्रिएट करके हम उसमें इंसर्ट, रीड, अपडेट, सर्च एंड डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड फर्स्ट। सो यहाँ पे हमारा जो फ्लटर है वो इंस्टॉल्ड है। टू मूव फॉरवर्ड विद दिस वीडियो कोर्स, हमें बेसिकली आप लोगों को क्या चाहिए, सो टू मूव फॉरवर्ड विद दिस वीडियो और विद दिस कोर्स, हमारे पास फ्लटर SDK इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एंड्रॉयड स्टूडियो जो हमारी रिक्वायरमेंट है फ्लटर एप्लीकेशन रन करने के लिए, वो सारे प्रीरिक्विजिट्स ऑलरेडी मेरे PC में इंस्टॉल्ड हैं, और आपको भी फ्लटर एप्लीकेशन रन करने के लिए फ्लटर SDK इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लटर इंस्टॉल। सो जैसे आप फ्लटर docs.flutter.dev की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड प्रोवाइडेड है। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे अंदर इस प्रकार से सारे सेटअप किए हुए हैं। ओके, सो हम इस कोर्स के अंदर फ्लटर के बेसिक्स में हाउ टू इंस्टॉल फ्लटर और फ्लटर के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा मेन प्राइमरी फोकस होगा फायरबेस पे। ओके, सो लेट्स क्रिएट एम्प्टी प्रोजेक्ट फर्स्ट, न्यू प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही स्टोर करूँगा। इसको नाम देंगे फ्लटर फायरबेस ऐप। सो हमारी एक बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसे